मैं दूसरों की गलतियों को इसलिए माफ कर देती हूँ दोस्तों, ताकि उनका दिल तोड़कर कहीं मुझसे और एक गलती ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंस्पायरिंग अंजलि और आज आप सभी के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक बहुत बड़ा गरीब गांव होता है। उस गरीब गांव के अंदर एक बहुत बड़ा बंगला होता है और जो उस बंगले का मालिक है वो इतना अच्छा आदमी होता है कि उस गांव में गरीब लोगों की बहुत मदद करता है, हर तरह से सेवा करता है। बस उस आदमी में एक ही कमी होती है कि किसी की हुई गलती को वो कभी माफ़ नहीं करता, और उस गलती की सज़ा वो देता है कि उस गाँव में जो जंगली जानवर है, गलती किए हुए आदमी को वो जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाएगा। उस घर में एक नौकर भी होता है जो उस मालिक की बहुत काफ़ी टाइम से सेवा कर रहा होता है, और उस नौकर से एक गलती हो जाती है तो राजा जी बुलाते हैं कि मालिक बुलाते हैं उस आदमी को कि तुमसे ऐसी गलती हो गई है, कल तुमको जंगली जानवरों के बीच ले जाके छोड़ दिया जाएगा। तो नौकर बोलता है, साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो राजा बोलता है कि जी नहीं, आपको माफ़ी नहीं दी जा सकती है, और माफ़ कर भी कैसे सकता था क्योंकि उसी का बनाया गया रूल है। तो राजा जी बोलता है कि अगर तुम इसके अलावा कुछ और मांग सकते हो तो मांगो, मैं तुमको दूंगा। तो नौकर बोलता है कि साहेब मुझे आप 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, 10 दिन का वक्त दे दीजिए, उसके बाद आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, राजा जी बोलते हैं ठीक है, दिया तुमको 10 दिन का टाइम। तो नौकर वहाँ से चला जाता है। जब 10 दिन बाद उस नौकर को बुलाया जाता है तो नौकर आके बोलता है कि राजा जी मैं तैयार हूँ, आप मुझे उन जंगली जानवरों के बीच ले जाके छोड़ सकते हो। तो राजा जी लेके जाता है और जंगली जानवरों के बीच उस आदमी को छोड़ देता है। हैरानी की बात दोस्तों ये कि उन जंगली जानवर से एक भी जानवर आके उस नौकर को छूता तक नहीं है, टच तक नहीं करता। राजा जी देख के ये हैरान, ये कैसे हो गया, वो हैरान कि ये कैसे हो गया। तो नौकर बोलता है, राजा जी मैंने वो 10 दिन का टाइम मांगा था आपसे इन जंगली जानवरों की सेवा करने के लिए, और मैंने इनकी इतनी सेवा करी, इनको आज मुझसे इतना प्यार हो गया है कि ये मेरे पास आके मुझे नहीं मारेंगे। तो राजा जी को बोलता है कि राजा जी मैंने तो आपकी ज़िंदगी भर सेवा की है, फिर भी आप मेरी एक गलती को माफ़ नहीं कर सके। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने दिल में भी माफ़ी की जगह रखो, क्योंकि माफ़ी से बड़ी कला इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो माफ़ करना सीखो और अपनी ज़िंदगी को चेंज करो। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए, शायद इस कहानी से कोई और भी कुछ सीख जाए। थैंक यू।